एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करके एस्पिरेंट्स के साथ ये हर जगह जा रहे हैं, हर जगह इनको फेलिसिटेट किया जा रहा है और ये अपना टाइम इन्वेस्ट करके एस्पिरेंट्स को ब्रीफ कर रहे हैं। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि जिन बच्चों ने अभी इस साल क्वालिफाई किया है वही इन बच्चों को गाइड करें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमारे कोलीग्स जो सर्विस में आए हैं इनको वेलकम करते हैं, बेस्ट विशेज एक्सटेंड करते हैं और जो इनका एंडेवर है नए एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए उसके लिए बेस्ट विशेज। तो कहाँ पर कमी है सर, अगर देखेंगे यहाँ पर 13:3 रेशियो यहाँ पर आया, 3 फ्रॉम कश्मीर डिवीजन और जम्मू से 13, तो इसमें कहाँ पर कोताही है? देखें, आई मीन इट्स योर चॉइस कि अभी आप ग्लास हाफ फुल देखना चाहें या हाफ एम्प्टी देखना चाहें। रीजनल बेसिस पे सिलेक्ट करना, बिटवीन स्टेट्स, विद इन स्टेट्स, आई विल नॉट गो इन टू दैट। 16 नंबर जम्मू कश्मीर से बड़ा अच्छा है और आई थिंक कहाँ बच्चे कटिंग एज लेवल पे रुक जाते हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उसमें हमारे जो कोलीग सेलेक्ट होकर आए हैं, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, तो उसमें ये गाइड करेंगे उनको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ शॉर्ट कमिंग्स है जिसमें इंप्रूव किया जा सकता है। पॉजिटिव साइड में मुझे लगता है देखने की जरूरत है, अगर 16-17 बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं वो कैसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ला सकते हैं, कैसे एक चेन रिएक्शन ला सकते हैं, उस पर ज़्यादा मुझे लगता है हमें फोकस करने की जरूरत है। जी तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन सब में से सभी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। गाँव से, दूर दराज इलाके से बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं तो इनकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होना चाहिए और पॉसिबिलिटीज़ में बिलीव करना चाहिए कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो बाकी बच्चे भी जो कोचिंग करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, शहरों में बैठे हैं घर छोड़ के, इसके लिए तो डेफिनेटली उनके लिए भी आगे एक ब्राइट फ्यूचर वेट करता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.